अपनी संस्कृति का पालन हम खुद नहीं करते, गीता ना पढ़ते ना बच्चों को पढ़ाते, तो संस्कार, संस्कार इंग्लिश से नहीं आएंगे। इंग्लिश जितने देश हैं, पश्चिमी जितने देश हैं, इंग्लिश बोलने वाले अधिकांश पश्चिमी देश हैं। इंग्लिश कहां से आई? इंग्लैंड से। इंग्लिश कहां से आई? इंग्लैंड से। अब इंग्लिश जिस देश की भाषा है, उस देश का कल्चर देख लो। इंग्लैंड जैसे पश्चिमी देशों में 18 साल की लड़की होते ही, 18 साल का लड़का होते ही अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है आजादी से जिंदगी जीने। जो लड़की मिले उसके संग, जो लड़का मिले उसके संग। जैसे हमारे यहाँ कुत्ता कुतिया नहीं होते, कुत्ता बड़ा हो गया तो इस मोहल्ले की कुतियों को परेशान करना, उस मोहल्ले के जाके परेशान करना, ऐसे ही वहां का कल्चर, मजाक नहीं कर रहे हैं, वहां का कल्चर है ये। 18 साल के हो गए मतलब आजाद, जाओ तुम्हें जो मिले उसके साथ रहो, कुत्तों की तरह, सुअर की तरह जिंदगी। लिविन क्या है? यही तो है, जो मन करे वहां जाओ, जहां मन करे उसके। लेकिन हमारा, हमारा संस्कार ऐसा नहीं। हमारे यहां तो लड़की लड़का बड़ा होता है तो सबसे पहले पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह के संस्कार में बांध दिया जाता है बच्चों को, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पति है, इसके संग तुम्हें जीना और मरना, जीने मरने की कसम। ये संस्कार हमारे हैं, एक पत्नी के सिवाय दूसरी पत्नी पे, दूसरी औरत पे नजर नहीं रखना, एक पुरुष के अतिरिक्त दूसरे पुरुष पर नजर नहीं रखना, ये संस्कार भारत के सिवा दुनिया में और कहीं क्यों हो तो जरा मुझे बताओ। विदेशों में कोई महिला विधवा नहीं होती, बताओ क्यों? क्योंकि उसका पति मरते ही नहीं, नहीं मर जाए तो दूसरा कर लेती है, वो मर जाए तो तीसरा जिंदाबाद, तीसरा मरे चौथा जिंदाबाद, इसलिए वहां कोई विधवा नहीं होता। और हमारे यहां पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजार लेती है। अब बताओ वो कल्चर सही है जो एक पुरुष मर जाए तो दूसरा, दूसरा मरे तीसरा, तीसरा मरे चौथा, वो कल्चर सही है या उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देना और भगवान में मन लगाना, ये कल्चर सही है? जोर से बताओ, कौन सी स्त्रियां पसंद हैं आपको? भारत की वो स्त्रियां जो अपने पति के बाद परमेश्वर में मन लगाती हैं और भोग विलास से मन हटाकर भगवान में मन लगा देती हैं, या वो जो पति के मरने के बाद अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य पुरुषों का वरण करती हैं? वो तुम इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश जानो, इंग्लिश बोलो, गलत नहीं है, भाषा है सीखो, पर इंग्लिश की संस्कृति हमारे देश में फिट बैठती नहीं है। आजकल के बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाले संस्कार आ रहे हैं, माँ बाप का कोई सम्मान नहीं, पहले पांव पड़े जाते थे अब घुटने पड़े जाते हैं। बोलो हां, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तुम तो इसे इंग्लिश राष्ट्र बनाना, बनाने पर तुले हो। जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, क्या मतलब है इसका? जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ये बोलना है। लेकिन आपको तो इंग्लिश बोलना बुरा नहीं है, बोलिए, बात कीजिए, इंग्लिश का ज्ञान होना बुरा नहीं है, पर आपकी सामान्य भाषा में इंग्लिश घुस जाए। हमारे यहां चाची है, मौसी है, बुआ है, बताओ इंग्लिश में चाची को क्या कहते हैं? आंटी। मौसी को क्या कहते हैं? आंटी। बुआ को क्या कहते हैं? ऐसी इंग्लिश है जिसके पास रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि इंग्लिश देशों में ना बुआ होती है ना मौसी होती है, वहां रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो भोग प्रधान देश है, वहां सिर्फ भोग के लिए लोग होते हैं, भोग भोगे, अपना खाओ पियो, सुअर का मांस खाओ, भोगी बनो। हमारी धरती गंगा की धरती है, यमुना की, यहां यहां
अपने मन को भोगों से हटाना सिखाया जाता है, वहां भोगों में लगाना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ मन से इच्छाएं समाप्त करने का कहा जाता है, वहां इच्छाएं बढ़ाने के लिए कैप्सूल खाए जाते हैं। वहां इच्छाओं को और तीव्र करने के लिए दवाइयां खाई जाती हैं, और हमारे यहां मन से इच्छाओं को खत्म करने का उपदेश दिया जाता है। इंग्लिश देश और भारत देश की तुलना हो सकती है? लोग कहते हैं भारत देश गरीब है, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, इंग्लैंड ये बड़े अमीर देश हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी आप कहते हो पूजा करो, आप कहते हो आध्यात्म से जुड़ो, यदि तुम्हारे भगवान इतने पावरफुल हैं तो तुम्हारा देश इतना गरीब क्यों है? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड इत्यादि देश बहुत रईस हैं। हमने कहा तुमने रईसी पहचानी ही नहीं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बताना आपके हिसाब से रईस कौन है, अमीर कौन है, जरा मुझे बताओ। मैं सवाल कर रहा हूं, सुन लो फिर बताना। अमीरी की जरा मुझे पहचान बताना, परिभाषा बताना। सुनो, एक वो व्यक्ति है जो जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसका गुजारा नहीं हो रहा है। तो किसी आदमी ने कहा स्त्री से कि तेरे खाने का गुजारा नहीं है, तेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो एक काम कर, तू अपने देह का व्यापार क्यों नहीं शुरू कर लेती? शरीर को बेचेगी तो तुझे पैसे मिल जाएंगे, तेरे बच्चों का पालन हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा ना, पैसे कमाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हम भारत के लोग हैं, हम पैसे की चाह इतनी नहीं रखते। हमारे यहां तो कहा जाता है कि राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हम पैसे कमाते हैं पर ये देखते हैं कि कहीं इस पैसे के चक्कर में हमारा धर्म तो नहीं जा रहा है। हम धन को छोड़ देते हैं पर धर्म को नहीं छोड़ते, ये हमारी संस्कृति है। भारत के लोगों के पास धन नहीं है, ये सही है। धन था, डाकुओं ने चुरा लिया, सोने की चिड़िया अमेरिका को नहीं कहा जाता था, भारत को कहा जाता था। अब डाकू यहीं आए चुरा के ले गए तो हम क्या करें? हमारे देश में पत्नियां मजदूरी कर लेती हैं, बर्तन चौका कर लेती हैं दूसरे के घर का, लेकिन अपने शरीर पर किसी प्रकार का, किसी पुरुष का स्पर्श नहीं चाहती। चरित्र की कमजोर नहीं है हमारी बहन बेटियां माताएं, हमारे देश की स्त्री, पुरुष पति मर जाए जवानी में तो उसकी विधवा रहकर पूरी जवानी बुढ़ापा गुजार देगी, पर किसी और पुरुष के साथ मन नहीं लगाएगी। यदि आज भी ऐसी स्त्रियां कहीं हैं तो सिर्फ भारत में। एक तरफ चरित्र है, एक तरफ संस्कार है और एक तरफ पैसा है। आपके हिसाब से अमीर कौन है? चरित्रवान लोग अमीर होते हैं। चरित्र मेरे पास है, एक के पास चरित्र है, एक के पास पैसा है, बताओ आप किसे बड़ा मानेंगे, पैसे वाले को या चरित्र वाले को? जोर से तो बताओ। दुनिया, भारत को छोड़कर दुनिया के लोगों के पास पैसा होगा, चरित्र नहीं होगा। हमारे यहां तो राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन, यहां चरित्र की पूजा है, राम की पूजा नहीं है, राम के चरित्र की, राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है। यहां चरित्र पढ़े जाते हैं, यहां चरित्र गाए जाते हैं, यहां चरित्र सुने और सुनाए जाते हैं, यहां धन सुना और सुनाया नहीं जाता। हमारे यहां पैसे वाले बहुत लोग, बड़े बड़े लोग हैं, पर हम लोग पैसे वालों की कथा नहीं सुनाते। जंगल में रहने वाले राम की कथा सुनाते हैं। राम और रावण दोनों में पैसे वाला कौन था बताओ? जोर से, पैसे वाला कौन था?
लेकिन रावण का चरित्र नहीं है, राम जी का चरित्र है, क्योंकि राम के पास धर्म था, रावण के पास पैसा था। वही है, देश में धर्म है, विदेशों में पैसा है। अब आप देख लो बड़ा कौन है। अब आप पैसे से तुलना करेंगे तो भारत के लोग गरीब दिखेंगे, ये सही है, पर चरित्र की बात करेंगे तो दुनिया के चरित्र से भारत का चरित्र तब भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और आगे भी। अब आपकी बुद्धि है कि आप पैसों से चरित्र को तौलते हैं या चरित्र को चरित्र से तौल कर देखते हैं। क्यों मेरी मां? तो विदेशों में भारत में ये अंतर है, इसलिए आपको ये, अरे मैं भी अमेरिका जैसा हो जाऊं, मैं भी इंग्लैंड के जैसे लोगों जैसा, ना, वहां की महिलाओं की तुम नकल क्यों करती हो? मेरी मां, उनकी नकल तुम करोगी तो बिजू को लगोगी। हमारी माताएं नकल कर करके और बिगाड़ लिया अपने स्वरूप और स्वभाव को। तुम लिपस्टिक लगाती हो, लिपस्टिक होंठों में कम लगती है, दांत में ज्यादा लग जाती है। तुम भारत की महिला हो, तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो, नेचुरल ब्यूटी आपकी सुंदर, आप बहुत अच्छी हो, आपको आता जाता है नहीं, लेकिन पोतना है, देखना सबकी तरह करेंगे, भले नहीं बनता करेंगे, तो करने के चक्कर में उनको उनका उनकी तरह रहने दो, आप अपनी तरह रहो। सबकी नकल कैसे हो सकती है? एक बात बताओ, शेर, शेर, बिल्ली, कुत्ता, कछुआ और मछली, इन पांचों को एक लाइन में खड़ा करो और पांचों से कहो पेड़ पर चढ़ के उतरो, बताओ कौन चढ़ लेगा कौन नहीं चढ़ेगा? बाकी तो सारे शायद चढ़ जाएं, कौन नहीं चढ़ पाएगा? मछली तो सोच के मर जाएगी। तो क्या सब चीजें सबके लिए हैं? उत्तर देना। पेड़ पर चढ़ना बिल्ली के लिए पॉसिबल है, चीता के लिए पॉसिबल है, पर मछली के लिए? अच्छा, पानी में रहना मछली के लिए संभव है, पर शेर के लिए नहीं, बिल्ली के लिए नहीं, कुत्ता के लिए नहीं, हाँ या ना? नाले में रहना सुअर के लिए पॉसिबल है, पर आप नाले में एक मछली को डाल दो, जहां दलदल हो, जहां सुअर बैठता है, उस गंदगी में डाल दो। सब चीजें सबके लिए नहीं है, समझो, सब चीजें सबके लिए, आपके लिए जो चीज है, हम भारत के लोग हैं, हमारी भारतीय संस्कृति हमारे लिए सूट करती है, यहाँ का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, यहाँ के आचरण व्यवहार, हमें यहाँ का सब ठीक लगता है, हमें इंग्लैंड का ठीक नहीं लगेगा, इंग्लैंड का कल्चर आपको ठीक नहीं लगेगा, और आपका कल्चर इंग्लैंड वाले सूट नहीं होगा उनको। अच्छा, इंग्लैंड वालों, इंग्लैंड की महिलाएं आज तो साड़ी पहनने लग गई हैं। जब इंग्लैंड की महिलाएं साड़ी पहनती हैं ना, तो वो और भी अच्छी लगती हैं। आज देख लो, जब वो मांग भरती हैं, जब वो आपकी तरह मेहंदी रचाती हैं, तो वो और भी सुंदर लगती हैं। लेकिन जब आप उनकी तरह जरा जरा से कपड़े पहनती हो, तो आप अच्छी लगती हो। साड़ी में विदेशी महिलाएं अच्छी लगती हैं, सभ्य लगती हैं। कभी वृंदावन आना, वहां एक मंदिर है, हरे कृष्ण मंदिर, वहां सैकड़ों की संख्या में, वृंदावन में बहुत सारे अंग्रेज रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, बच्चे वहीं पढ़ते हैं, गोरे लोग तिलक लगाते हैं, तुमसे अच्छा, तुलसी की माला पहनती हैं महिलाएं, और तो ठीक है। एक महिला का इंटरव्यू मैंने सुना, विदेशी, उसका इंटरव्यू मेरे पास रखा है, आप कहेंगे तो सुना दूंगा। उस महिला ने कहा था कि मैं इंग्लैंड की हूं, इंग्लिश महिला है वो, लेकिन वो रामचरित मानस पढ़ती है, गीता पढ़ती है, रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाती है, और अपने इंग्लैंड में जाकर सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाती है, अपने देश में जाकर।
यहाँ आती है वृंदावन, यहाँ शिक्षा पाती और जाके सिखाती है वहां सरकारी स्कूल इंग्लैंड के। उसने स्वयं कहा, विदेशों में भगवान के मंदिर बड़े बड़े हैं, प्रभात फेरियां लगती हैं सवेरे 4 बजे से और तुम 8 बजे सो के उठते हो और सवेरे उठते ही कहते हो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। विदेशों में प्रभात फेरियां लगती हैं सवेरे 4 बजे से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमन्नारायण की ध्वनियां गूंज रही हैं वहां, और यहाँ सवेरे से शाम तक बस मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है। हाँ या ना मेरी माँ, आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं, धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो आप में से कितने लोग आज से ही माथे पर तिलक लगाएंगे, बच्चों को बेटा बेटी सबको तिलक, घर के ऊपर झंडे की स्थापना करेंगे, द्वार पर शंख चक्र लगाएंगे और तुलसी लगाएंगे ज्यादा, और अपने बच्चों को गीता और रामचरितमानस पढ़ाएंगे। कौन कौन पढ़ाओ, फिर देखो 5 साल अपने बच्चों को मेरे कहे अनुसार संस्कार दे दो, 6वें महीने में गली गली से आवाज आएगी कि ये हिंदू राष्ट्र अब बनाने की नहीं बन चुका, सरकार बाद में मोहर लगा देगी। तुम तैयारी करो, ये बताओ सरकार कब आती है, सड़क जब बनके तैयार हो जाती है तब सरकार आती है, सर मोदी जी आते हैं ओपनिंग कर देते हैं, ओवर ब्रिज बन गए हैं आए, अब तुम्हारे यहां मेट्रो बन रही है, इंदौर में मेट्रो बन रही है, खंबा गाड़ने थोड़ी आएगा कोई, कॉलम खड़े करने थोड़ी आएगा, जब बन के तैयार हो जाएगी तब हरी झंडी। हाँ तो पहले तुम अपनी नींव तो तैयार कर लो, जब तैयारी तुम कर लोगे सनातन धर्म को बढ़ा करके हिंदू राष्ट्र की मोहर लग जाएगी बाद में। तैयारियां तो शुरू करो, तो कितने लोग तैयारी में लगेंगे आज से, करोगे तैयारी, लगाओगे तिलक? देखो मेरे नौजवान दोस्त भाई खड़े हैं पर माथे पर तिलक नहीं है, क्यों नहीं है? मुसलमान भाई खड़े होते हैं टोपी लगा के खड़े होते हैं, तुम तिलक नहीं लगाते हो, तुम पैंट शर्ट पहनते हो, बताओ तुम्हारे दादाजी तुम्हारे नाना जी क्या पहनते थे? धोती, और धोती कांच लगाकर, तुमसे नहीं आती कांच लगाकर पहनना, बताओ भारतीय पहनावा क्या है, पैंट शर्ट या धोती कुर्ता? महाराणा प्रताप वीर शिवाजी ने क्या पहनकर युद्ध लड़ा था? फिर अरे रोज नहीं, संडे के संडे नियम बनाओ कि अपने बेटा बेटों को पति को ससुर को सबको निवेदन करो कि हफ्ते में एक दिन तो कम से कम धोती कुर्ता पहन के मॉल जाओ, दुकानों में जाओ, सड़क पे जहां जाओ धोती कुर्ता पहनकर एक दिन तो पहनो मेरे दोस्तों। संस्कृति संस्कार धोती रो रही है, कहां चले गए मुझे पहनने वाले, कहां चले गए वो दादा और नाना, रो रही है मेरी माँ। तो कितने लोग मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं, पहनोगे धोती मेरे नौजवान भाइयों? हाँ या ना बोल दो, बस हम समझ लेंगे। मेरी माँ पहनोगे धोती? मैया छोरा को पहनाया करो धोती कुर्ता और तिलक, स्कूलों में कम से कम एक दिन का ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। अरे भारत के स्कूल हैं तो एक दिन तो भारतीय पोशाक होनी चाहिए, एक दिन तो भारत का पहनावा हो। आज सारे बच्चे धोती कुर्ता तिलक लगाकर स्कूल आएंगे, फिर देखो हिंदू राष्ट्र कैसे बनता है। तुम तैयारी कर लो, कितने लोग तैयारी कर लेंगे आज से, तैयारी में लगेंगे। मेट्रो की ओपनिंग होते होते
मार लग जाए हिंदू राष्ट्र की, आप तैयारी कर लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की, गाय की सेवा भी इसमें ऐड कर लेना। हिंदुओं को चाहिए गाय की सेवा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। पर आप तैयारी शुरू करो।